बीर दाल और राइस का हम लोग बैटर बनाएंगे। देखिए बैटर रेडी है, उसमें नमक डालेंगे, थोड़ा सा नमक अपने स्वाद अनुसार डालेंगे, जैसे अपने हिसाब से डालेंगे, और थोड़ा सा बेकिंग सोडा थोड़ा सा डाली हूँ, आपके हिसाब से भी डालना है जैसे, और थोड़ा सा पानी। अभी बैटर रेडी करना है राइस बॉल को तलने के लिए, फ्राई करेंगे इसको, इसलिए अभी बैटर रेडी कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छा से हो रहा है ना, देखिए ऐसे करना है, थोड़ा सा अच्छा से मिक्स करना है, मिक्स करने से ज़्यादा फूलता है बॉल जैसा, इसलिए इसका नाम राइस बॉल है। देखिए कैसे बैटर रेडी हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है ना, देखिए ऐसे करना है, पूरा ऐसे मिलाना है। अभी रेडी हो गया, गैस लगाएंगे, तेल डालेंगे, अभी तेल डाली हूँ, देखिए थोड़ा ज़्यादा तेल डालना है नहीं तो अच्छा से नहीं होगा, और थोड़ा डालना है, डालेंगे तो ठीक रहेगा। अभी राइस बॉल को थोड़ा थोड़ा करके बैटर को पकाएंगे, डालेंगे तो देखिए कैसे हो रहा है, देखिए ऐसे ऐसे डालना है, आराम से ध्यान से डालना है, जैसे बॉल जैसे होगा, देखिए ज़्यादा तेल रहेगा तो ज़्यादा डालना है, थोड़ा सा तेल में थोड़ा सा डालना है, जैसे देखिए पूरा बॉल जैसा ऊपर उठ रहा है, देखिए कितना अच्छा से उठ गया, देखिए देखिए ऐसे करना है, ध्यान से करना है, हड़बड़ी नहीं, आराम से, देखिए कैसे हो रहा है बॉल जैसा। बहुत इजी मेथड है, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को खाने में, बहुत प्यारा लगता है, बच्चों को भी बहुत प्यारा लगता है, सब खाते हैं। देखिए देखिए कैसे हो गया, ज़्यादा लाल नहीं करना है, ऐसे येलो रहने से भी अच्छा लगता है, ऐसे निकालना है। अभी देखिए प्लेट में निकाल दिया, देखिए कितना अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो रहा है ना, देखिए ऐसा आवाज़ भी कर रहा है। अभी चटनी बनाना है, मैंगो चटनी, मैं मैंगो पिकल बनाया था, उसमें से थोड़ा सा पानी डालूँगी और चटनी बनाऊँगी, वो बहुत प्यारा लगता है राइस बॉल के साथ। देखिए देखिए पानी डाल रही हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे पानी, पतला रहेगा तो ठीक रहता है, अच्छा लगता है। देखिए कैसे हो रहा है, बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा चिल्ली पाउडर डाली हूँ, नहीं तो हरी मिर्ची भी डालने से अच्छा लगता है, ज़्यादा झाल रहने से अच्छा लगता है। देखिए अभी रेडी।